बोलो यार, कम ऑन भावेन एंड ऑल, बताओ लड़की, किया नहीं किया बच्चों? अरे मतलब पूरा नहीं हुआ सर है। किया बट पूरा खत्म नहीं हुआ। पूरा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ हमेशा, जब मैं होमवर्क देता हूँ, मैं ज्यादा देता हूँ कभी कम देता हूँ, पर आई ऑलवेज एक्सपेक्ट फर्स्ट से होमवर्क बिल्कुल होना चाहिए, फिर जब भी टाइम मिले जिस वीक तब आगे बढ़ गए। अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी बोर्ड्स का प्रेशर नहीं था तो तीन एक्सरसाइज तो हो सकती थी ना। हाँ सर, वही तीन एक्सरसाइज कितने बच्चों की हुई? हाँ रेज ऑफ सर, हैंड, मेरी हो गई। रेज ऑफ हैंड मुझे देखना है कितने डेडिकेटेड बच्चे हैं। झूठ मत बोलना, मैं तो बस यही पूछ रहा हूँ कितने बच्चों ने पहले तीन एक्सरसाइज के होमवर्क किए। देखिए तो वेरी गुड यार, देखो हमेशा की बात है बच्चों की, इतना किया तो अच्छा है, 2A तक पहुंच गए, हाफ 2A किया तो भी ठीक है, तो यू आर गोइंग फाइन। 3 ईयर बैच का पर्पस यही है ना बच्चों की, बोर्ड्स के साथ वी हैव टू सिंक्रोनाइज आवर लर्निंग एंड डू सम होमवर्क सो दैट व्हेन यू कम इन 11th, व्हेन यू बिकम फुल टाइम पे स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ज्यादा एज पे हो एज कम्पेयर टू 2 ईयर स्टूडेंट्स, आया ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ तो यार उसका फायदा तो उठाओ ना यार। अब तो तुम्हारा MT और उन सब की भी डेट हमने आई थिंक डिसाइड कर ली है, जनवरी में, नहीं जनवरी एंड में है और एक फरवरी 14th को है। डिड समवन टेल यू? सर, टाइम यस टेबल सर, वी आया गॉट द था। टाइम टेबल। हाँ टाइम टेबल आया ना, तो बस उसके पेपर अब सेट करूंगा मैं। तो अब तुम्हारे मैंने क्वाड्रेटिक के भी लेक्चर का बोल दिया, तो इस वीक लगाया है तुमने देखा एवरीवन? नेक्स्ट वीक का टाइम सर इस टेबल वीक देखा? का नेक्स्ट वीक टाइम नहीं टेबल बच्चा, नहीं आया नेक्स्ट वीक, सर। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अच्छा नहीं आया, तो नेक्स्ट वीक क्वाड्रेटिक का वेनेसडे या थर्सडे को तुम्हारा लेक्चर लगा है 2-2.5 घंटे का, तो अब उन सर के साथ पूरा सिंक्रोनाइज होके फिनिश कर देना, फिर मेरे मेरे को बोलना मत, मतलब कि बच गया है, तो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। सुना सबने? यस यस सर, yes, यस सर। सर। कोई टॉपिक अगर बीच में तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ था बहुत, क्योंकि गैप वैप हो गया, तो मेरे मेरे क्वाड्रेटिक के सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, डेप्थ में मैंने बहुत कवर किया, वो भी देख सकते हो। इज दैट क्लियर? मतलब मेरी यस सर, प्लेलिस्ट में होगा, उन चैनल में होगा, देख लेना। और उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक की बुकलेट भी करनी है। ओके आई यस सर। होप ये थोड़ा सा 10 डेज जब कम स्कूल का काम था, हॉलीडेज थी, तो उसको क्वाड्रेटिक के लिए भी यूज करा तुमने, जो पुराने थोड़े छूट छूट गई थी। यू हैव फिनिश्ड इट इफ यू आर सीरियस अबाउट इट योर स्टडीज। अब वैसे प्री बोर्ड्स वी बोर्ड्स अब चालू होने वाले होंगे सबके? क्या यस सर, यस सर। कब से ज्यादातर प्री बोर्ड सबके? ओके थर्ड कितने प्री बोर्ड्स ले रहे जनवरी हैं वो? 1, 2, 3? सर, दो होंगे सर, मार्च की डेट आ दो। गई तुम्हारी सी ये मतलब इसकी तो आ गई HSC की, ICSE की, और इसकी आई क्या डेट CBSE? नहीं नहीं सर, अभी सर, सर अभी अभी नहीं आई। तो और कोविड में पता नहीं क्या होगा, इलेक्शन भी हैं। चलो देखते हैं। कैन आई कंटिन्यू नाउ एवरीवन? यस सर, यस सर। तो लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग टाइप 3 एंड 4, एंड आई गेव यू वन होमवर्क क्वेश्चन, उसका आंसर बता दो यार फटाफट। कम ऑन, टू आई एम बैक। वेरिएबल्स का। हाँ बोलो बच्चे। हाँ सर पाई बाय टू और किसी का नहीं आया? सर, पाई बाय टू। बाकी सब बच्चों ने, मैं बार बार बोलता हूँ क्लास होमवर्क तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी है यार, रिवाइज करके। ओके सिंह, गुड। किसी को डाउट है? नहीं सर मुझे भी पाई बाय टू ही है सर, मुझे डाउट 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 है है। हाँ सर, क्या हो मुझे गया? भी डाउट ओके ओके सर। चलो, आंसर आ गया पर वो भी नहीं नहीं होगा ना, क्योंकि पाई बाय टू इंक्लूडेड नहीं है। सर है ना बच्चे, एक्स और वाई की वैल्यू थे ना, ये एक्स प्लस वाई की है, तो ये चीज बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं। देखो इधर त्रिगो में करी होगी, बट आई डोंट नो, तू डाउट पूछ रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्स अगर 0 से पाई बाय 2 है, y अगर 0 से पाई बाय 2 है,
तो इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली मतलब एक्स को वाई से अभी मैं मान सकता हूँ कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना है वो इस इक्वेशन से जज कर लूंगा मैं, बट अभी मैं ऊपर ऊपर वे से इसकी रेंज पूछूं तो मिनिमम क्या बोलोगे बच्चों? कम ऑन, जीरो जीरो, वो एग्री करो। टू बाय और यहाँ से पाई वो भी ओपन, तो एक्स प्लस वाई पाई बाय टू हो सकता है ना लड़की। हाँ सर इसमें किसी को डाउट है क्या? नो। चलो अब देखा मैंने कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स इंटू साइन टू वाई, तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लगाऊंगा फॉर्मूला एवरीवन? 1 प्लस कॉस टू वन थीटा प्लस कॉस थीटा वेरी गुड वेरी गुड, 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ पे क्या लगेगा एवरीवन? साइन ऑफ 2x प्लस साइन टू टू वाई थीटा सो टू साइन ए साइन बी, डीफैक्टराइजेशन वेरी गुड डी, लगेगा वेरी गुड डी फैक्टराइजेशन, टू साइन ए साइन बी दैट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, सही लिखा है बच्चों? अब ये तो कैंसिल हो गया और कर ली दुनिया मुट्ठी में, कॉस ऑफ ट्वाइस देख लो ये लिख रहा हूँ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन या माइनस वन? -1 माइनस वन, तो अब एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा जिसका कॉस माइनस वन होता है? अगर अच्छे बच्चों के लिए तो वो भी देख सकते हैं कि यस सर कॉस थीटा माइनस वन, तो जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहिए हमें, एग्री करो? ट्रिगो इक्वेशन चल रहा सर है, बहुत सारी वैल्यूज होती है ना कॉस थीटा की माइनस वन, तो यस सर बट ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई जीरो से टू पाई तक ही वेरी कर रहा है, देखो कम ऑन कम ऑन। यस सर तो जीरो से टू पाई में कौन सा एंगल है जिसका कॉस माइनस वन होता है? एक ही पाई, यस नो एवरीवन? कॉन्फिडेंटली बोलो यस यस सर, मतलब एक ही आंसर है, ये भी एग्री कर रहे हैं और आंसर इज पाई बाय टू। क्लियर? यस सर यस सर सर अगर हम लोग इनिशियली मतलब साइन टू एक्स और साइन टू वाई को अलग अलग क्या बोलते हैं क्या बोल रहा है बच्चे? सर अगर हम साइन टू एक्स और साइन टू वाई को सिंपलीफाई करके सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा? सिंपलीफाई मतलब क्या होता है? ये सिंपलीफाई तो है, नहीं सर जैसे टू साइन एक्स कॉस एक्स और टू साइन वाई कॉस वाई फिर फैक्टराइजेशन का, तो वही तो फॉर्मूला है, टू साइन एक्स, तू बोल रहा है टू साइन एक्स तो उसके बाद कॉस तो है ही नहीं ना, उसके बाद तो साइन है, तो वही तो फॉर्मूला लगाया है बच्चे, मैंने ये फॉर्मूला लगाया है टू साइन ए साइन बी, तू बोल रहा था टू साइन ए कॉस बी, नहीं वो तो टू साइन ए कॉस है मतलब साइन कॉस टू है, एक्स को, एक मिनट बच्चे एक मिनट बच्चे, क्या नाम है तेरा? आरुष, तो तू अरे बोल रहा है टू साइन ए कॉस है, तो उसमें कॉस ए होना भी तो चाहिए, कहाँ है? वो हाफ एंगल तो डबल एंगल फॉर्मूला यूज करने बोल रहा है टू एक्स, अच्छा ब्रेक करने के लिए बोल रहा है, साइन टू एक्स को टू साइन एक्स कॉस एक्स लिखो, उससे क्या फायदा होगा बच्चे? नो नो नो, तो कितने सारे एक्स्ट्रा टर्म बनाने को बोल रहा है, टू साइन वाई कॉस वाई, हर में ये थोड़ा फिक्स है कि हमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, हमें तो देखना है कौन सा बेस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा, हाँ है ना? और किसी को डाउट? चलो आगे बढ़े आप एवरीवन। हाँ सर आज अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, दो लेक्चर में चैप्टर फिनिश करना है, दो या ढाई लेक्चर में, लेट्स से लिखो हेडिंग टाइप फाइव, बेस्ड ऑन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, याद है ये भी ट्रिको में देखा हुआ है? हाँ सर हाँ सर कैन आई डायरेक्टली गिव यू क्वेश्चन, अगर देखे तो मैं याद है नहीं?
हाँ यस सर ओके चलो करो सॉल्व फॉर एक्स रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टू वेरी इजी क्वेश्चन विनाद चेकर अनमोल हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए बच्चे ट्वेल्व फाइव प्लस फाइव बाई थ्री कैसे आ रहा है तुम सबका यानी क्या कबाड़ा कर अच्छा इसमें वो ओके सही है सॉरी करेक्ट रुपेश चेकर सर मेरा नाम अथर्व है मैंने आंसर पोस्ट किया चेक कर सकते हो जी वापस कर दे बहुत सारे नाम में कभी का लॉस हो जाता है बहुत सारे नाम फटाफट आ रहे हैं भावेन करेक्ट अनमोल करेक्ट अनमोल करेक्ट वापस भेज दे बच्चे रुद्रा करेक्ट प्रणव करेक्ट आरुष मिस्टेक प्रिशा करेक्ट कॉपी पेस्ट वो तेरा आंसर पुराना वाला वापस भेज दे करेक्ट आदित्य करेक्ट चलो इनफ टाइम डिस्कस करें एवरीवन यस स्टार्ट हो रहा है बस भाई दिशिता सामर क्या बातें कर रहे हो सर मैंने आप देखो यहाँ पे अथर्व करेक्ट है तन्वी करेक्ट है अर्णव रॉन्ग है आयुष करेक्ट है चलो अब मैं नहीं देख रहा हूँ वहां पे चैट पे अब मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूँ तो एज आई सेड ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ट्रिगो वन का पार्ट है सबको याद है इसकी रेंज क्या होती है एवरीवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेक्ट तो सबको इसका मेथड भी याद होगा डिवाइड करना पड़ता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बिल्कुल सही बच्चों फिर वो कंपाउंड एंगल का बनता बिल्कुल सही बच्चों तो यहाँ पे ये टू होता है तो मैं आगे होता है बी कॉस एक्स के आगे होता है बच्ची हमसे बात कर रही है या घर पे समझा रही है कौन है दूसरे साइड दिशिता नाम की बच्ची और माइक ऑन कर रिशिता माइक ऑन कर बच्ची सॉरी सर क्या कर रही थी तू सर वो कंप्यूटर हैंग हो गया था तो वापस रीजॉइन किया इसलिए अभी माइक ऑन मतलब पेरेंट्स से बात कर रही थी क्या
हाँ सर अच्छा तो चलो यहाँ पे ध्यान दो जल्दी से। बट तुम सबने कोइंसिडेंस देखा, वो जो बोल रही थी वो मेरे क्वेश्चन के लिए भी वैलिड था, आया ना, लेफ्ट में करना राइट में करना ऐसे कुछ बोल रही थी। डिड यू हियर एवरीवन? हाँ बट एक सर आप म्यूट हो। हाँ भाई एवरीवन सॉरी। सो ये टू से तो ये टू चला गया, यहाँ पे अपन साइन ए कॉस भी लिख दें इसको एवरीवन। यस सर। हाँ ओके यस। अच्छा मैं इसको कॉस ए कॉस भी तो कर सकता था, मतलब कॉस का फॉर्मूला भी बना सकता था। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जल्दी से एग्री करो। हाँ यस सर। यस सर। जैसे देखो अभी कॉस का फॉर्मूला बन रहा है, आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी, जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। बट आई कुड हैव कन्वर्टेड इनटू साइन फॉर्मूला आल्सो ना, साइन ए और इसको कॉस बी लिख के। हाँ सर। तो अभी तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू आ रहा है, एक्सेप्शन पे आ रहा है, याद करो कम ऑन, है ना। कॉस में एक्सेप्शन नहीं बट वन पे आ रहा है तो वो गड़बड़ नहीं करता है, याद है एवरीवन? यस सर। यस सर। मेरी एडवाइस है कभी भी ऑप्शंस हो तुम्हें दोनों में लिख सकते हो, साइन में कॉस में, हमेशा प्रेफर किस में करोगे? कॉस में। कॉस में। कॉस में। कॉस में। ज्यादातर ऑप्शंस हमेशा उस टाइप के होंगे तो प्रेफर इन कॉस। डिड एवरीवन हियर व्हाट आई जस्ट टोल्ड? यस सर। कॉस में प्रेफर करना, कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं है, ज्यादातर ऑप्शन बस कॉस के हिसाब से होते हैं। सॉरी। हाँ सो दिस इज दिस कॉस का वन कितना होता है, कॉस जीरो मुझे पता है, इस पर कोई एक्सेप्शन नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 2n पाई प्लस माइनस जीरो, याद आया सबको? यस यस सर। सो फाइनल आंसर इज 2n पाई प्लस 5 बाय 3। किसी को yes, डाउट? नो सर। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसके रेंज बेस्ड भी क्वेश्चंस करेंगे बट अभी तो मैं जनरल सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं एवरीवन। रूट कॉस टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स इक्वल टू टू रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। निनाद रॉन्ग, बाबिन करेक्ट। बाबिन करेक्ट आंसर। रुपेश हाफ आंसर है, ये पूरा नहीं है। बाबिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर, याद है ना एक्स्ट्रा के रूल्स बाबिन? रुपेश परफेक्ट, वेरी गुड बच्चे।
अच्छा यहाँ पे ट्रिगो लगेगा पहले, ऑल ऑफ यू इतना जज हुआ सब एवरीवन? यस सर। ये कुछ ना कुछ कॉमन निकालो, दैट इज योर हिंट। ट्रिगो के फॉर्मूला यूज करके टेक सम कॉमन थिंग। कॉस टू एक्स का जैसे कौन सा फॉर्मूला, बस वो लास्ट हिंट दे देता हूँ, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसमें साइन प्लस कॉस आता है, हाँ है ना? हाँ सर। यस बस लास्ट हिंट। सुहानी परफेक्ट, वेरी गुड लड़की। निनाद अब सही हो गया है। रुपेश करेक्ट ही था, पहले ही बोल दिया बच्चे। प्रिशा करेक्ट है, प्रिशा हाफ आंसर। टू एन पाई स्लैश क्यों लिख रही है? स्लैश की जगह सही स्लैश हो गया, एंड लिखेगी? नहीं सर, दोनों का इंटरसेक्शन है। दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एंड ही होता है, बट आर यू श्योर इंटरसेक्शन आएगा? यूनियन और इंटरसेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब एंड, कॉमन वैल्यूज, कॉमन। यूनियन और होता ना? हाँ यूनियन और होता है, ठीक है। ईशान हाफ आंसर है वो। लास्ट 30 seconds एवरीवन, इनफ टाइम सर? रुक जा, 2 मिनट। 2 मिनट तो मुश्किल है बच्चे, जल्दी कर, कम ऑन। नमन करेक्ट, वेरी गुड। आ गई तन्वी का आंसर, नहीं आया अभी तक। आदित्य का भी नहीं आया। जय करेक्ट, गुड। काफी बच्चे ट्राई अच्छी तरह करते हैं। थोड़ी ट्रिगो के फॉर्मूला लगाओ। मैंने क्या बोला, ट्रिगो टू इज जस्ट अबाउट ट्रिगो वन। तो वन प्लस साइन टू एक्स अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा, गलत बात है। और ये हिंट भी मिल चुकी कि कॉमन क्या आने वाला है, बताओ ऑल ऑफ यू एग्री? हिंट मिल चुकी है ना कॉमन क्या आएगा? हाँ सर। हाँ सर। तो उसके टर्म्स पे सोचो कि अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म्स में कुछ होता है क्या, दैट इज द हिंट। नो मयंक, चलो डिस्कस करें आप एवरीवन। चलो इनफ टाइम, प्लीज सी हियर, बताओ 1 प्लस साइन टू एक्स को क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू को किधर ले आते हैं? Everyone okay? Yes, sir. अब cos square minus sin square को भी इतना तो judge कर ही सकते हो, cos plus sin into cos minus sin. Yes sir, a minus b plus. बिल्कुल. Common. हर जगह. Common क्या? ये वाला term है ना? Under root cos c plus. Under root cos plus sin common. Under root cos minus sin plus under root cos plus sin minus 2. जल्दी से agree करो. Yes sir, ये ही है. So either this is zero or your end, क्या आएगा?
और या एंड और दिस इज जीरो इट इज लाइक दैट बच्चों की एक्स वाई जीरो होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हो आइदर एक्स इज जीरो और वाई जीरो कम ऑन आया ना यस सर सो कॉस प्लस साइन इज इक्वल टू जीरो कैसे सॉल्व करें इसको सर टैन में कन्वर्ट साइन इक्वल टू माइनस कॉस टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन सही है यस सर अभी टैन का फॉर्मूला टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन दैट इज टेन एक्स इक्वल टू टेन एन पाई माइनस पाई बाय फोर सो ये एक पार्ट तो हो गया और वाला पार्ट बाकी है कुछ बच्चे कैंसिल कर देते हैं अभी तक तीसरे चैप्टर में भी आके बहुत बच्चों ने कैंसिल कर दिया था डायरेक्ट बस ये उड़ा दिया था तो ये सॉल्यूशन आया नहीं था उनका अब यहाँ पे क्या करें कैसे सॉल्व करें स्क्वायरिंग एंड वी कैन डू सो बिकॉज बोथ साइड्स आर पॉजिटिव इतना आता है ना देखना स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू फोर सो देयरफॉर टू कॉस ट्वाइस अंडर रूट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस टू कॉस टू उड़ा दूंगा तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस कॉस सही है एवरीवन इज इट ओके बच्चों यस सर अगेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव एग्री करो यस सर वापस स्क्वायर करेंगे टू माइनस कॉस पॉजिटिव होता है बच्चों ना फोर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस फोर कॉस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला गया साइन स्क्वायर को क्या लिख दूं बच्चों वन माइनस कॉस स्क्वायर वन माइनस स्क्वायर और कॉमन भी आ रहा है वैसे भी तो एक्चुअली तो माइनस साइन स्क्वायर इज वन माइनस कॉस स्क्वायर वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस इज इक्वल टू राइट साइड में फोर कॉमन दिख रहा है कॉमन यस सर वन माइनस कॉस को कैंसिल करना चाहिए वापस या कॉमन लेना चाहिए कॉमन कॉमन लेना चाहिए तो मैं सबको राइट साइड में ले जाके कॉमन ले रहा हूँ ये समझ लो फोर प्लस वन प्लस कॉस इक्वल टू जीरो एग्री करो हाँ सर कॉस एक्स माइनस फाइव हो सकता है क्या नो सर नो सर तो यहाँ से आंसर आया कॉस एक्स इक्वल टू वन जिसका आंसर कॉस जीरो एक्स इक्वल टू टू एन फाइव तो फाइनल आंसर है क्या दिस यूनियन दिस या दिस इंटरसेक्शन दिस सर यूनियन यूनियन दोनों में कोई कॉमन वैल्यूज नहीं दिख रही है इसलिए मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ एग्रीड ना यस यस जल्दी से कॉपी करो कोई डाउट हो लेट मी नो सर मुझे एक डाउट था हाँ बच्चे बोलो सर फर्स्ट पार्ट में हमने मैं जूते मारूंगा जो एक बच्चा पूछ रहा है तो दूसरा क्यों ऑन कर रहा है भाई माइक और नाम बोल के पूछा करो हमेशा सर मैं रोहन हाँ रोहन सर तो हमने फर्स्ट पार्ट में कॉस से कैसे डिवाइड कर लिया अच्छा साइन कॉस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस है तो कॉस से डिवाइड नहीं कर सकता क्या नहीं सर लेकिन कॉस अगर जीरो हुआ तो कॉस जीरो हो गया तो साइन जीरो हो जाएगा क्या दोनों साइन और कॉस जीरो होते हैं क्या अच्छा हाँ ये सर एडिशन द एक्स्ट्रा क्वेश्चन नो वापस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स भूल गया ये लड़का मैं इसे बीच में शो करूंगा क्या बच्चों नो ऑल ऑफ यू कि जब दूसरे बच्चे ये मेन क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं अभी उसमें टाइम दे रहा हूं तो विल आई शो और विल आई डिस्कस एनीथिंग अबाउट एक्स्ट्रा नो सर नो हाँ एक सेकंड रुक जा लड़के भावेन गलत आंसर है नो नमन तेरा भी गलत है यस सब हर बच्चे का कॉपी हो गया ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन यस हां सर हां सर एनीबॉडी वेट अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन हेलो सर हां बच्चे बोल सर मुझे पूछना था दैट जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा वैल्यूज आ सकती है ना जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो इनपुट करके कब आ सकती है चुप रहे तो अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा उसके बाद तो जरा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा बट अगर दोनों साइड पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव है और फिर स्क्वायर कर रहा है तो कोई एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं आएगी बट अगर पॉजिटिव इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब राइट साइड का साइन नहीं पता हम वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी तब तेरी एक्स्ट्रा वैल्यूज आ सकती है
गॉट इट? हाँ सर ठीक है. बट यहाँ पे जब भी मैंने स्क्वायर किया मैंने हमेशा बोला था, याद है तेरे को, कि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. हाँ है ना? असल वो मुझे समझा नहीं था इसलिए पूछ रहा हूँ. और कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से. एक्स्ट्रा देखना हो तो देख लेना, बट अभी कोई एक्स्ट्रा नहीं करेगा. अभी मेन क्वेश्चन करोगे एक और. थोड़ा इजी वाला दूं या मीडियम वाला दूं? मीडियम वाला. मीडियम वाला. मीडियम अभी के लिए, बाद में प्रैक्टिस करने के बाद तो हमारे बच्चे चैंप हो ही जाएंगे. करो ये. अब तो समझ गए थे ना एक्स्ट्रा लेक्चर क्यों नहीं लिख पाया था मैं. हाँ सर. हाँ सर. नो हरी, आप आराम से करो, गलती नहीं चाहिए बस. Rupesh wrong, Arnav wrong. Ninad wrong, Bhavan wrong. शायद से सही है, शायद से सही है. देखते हैं अभी एक बार चेक करेंगे, मेरे को आंसर याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. वापस लिखना एक बार आंसर, अब मुझे ध्यान आ गया. देखो रुपेश करेक्ट है, भावन करेक्ट है. ये रुपेश की थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बार चेक कर बच्चे दूसरा सॉल्यूशन. छोटी सी मिस्टेक है रुपेश. शिवेश रॉन्ग, निनाद रॉन्ग. निनाद एक्सेप्शन याद नहीं आ रहा आपको, प्रिशा सेम थिंग, एक्सेप्शन कुछ हो सकता है. तो देखो ध्यान से, मेरा कुछ नहीं गलती है, देखता हूँ. रुपेश नो,
डिस्कस करें एवरीवन। चलो मैं ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस करा, मैं इसका बीबी वर्जन डिस्कस कर रहा हूँ, तुम वापस एक मिनट देख लेना। इधर देखो मेरे साथ एवरीवन, 1 प्लस साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इज इक्वल टू 3 बाय 2 साइन 2x है ना, इस उसी क्वेश्चन का बेबी वर्जन देख रहे हो इधर एवरीवन। यस सर। यस सर। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब सब कुछ x में है, तो इसको भी x में ब्रेक कर दे एवरीवन। यस सर। 2 साइन x कॉस x, अब बताओ कुछ दिखा क्या, दिस माइनस 3 साइन x कॉस x इक्वल टू 0 कुछ दिखा? AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC equals zero. Very good. अब दिखा, अब दिखा, देखो क्या फॉर्मूला। AQ plus BQ ना, A plus B plus C zero नहीं बोलते बच्ची, वो भली है यहाँ पे, बट ये दिखा सबको एवरीवन। Yes sir. और तुम्हें क्वाड्रेटिक में या ट्रिगो में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला जरूर दिखा होगा, क्या AQ plus BQ plus CQ हमेशा 3ABC होता है क्या, या कुछ और होता है? सर ये a plus b plus c into half times perfect squares होता है, ये पता है सबको? minus b whole square plus b minus c whole square। do any every one of you know this or no? सर सर ये बोल सकते हैं ना कि a plus b plus c zero होता है? नहीं, चुपचाप बैठा रहे, मैंने जितना पूछा उतना बोलो, ये पता है सबको या सुनो? तो ये पूरा फॉर्मूला ये है एक्चुअली, प्लीज रिमेम्बर इट। अब जो जो मैं क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ वो पूछते जाओ, फिर इस बच्चे का क्वेश्चन अपना आप आंसर हो जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो कौन सी साइड जीरो हो गई पहले, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड भी जीरो होगा, एग्री करो? यस सर। यस मतलब तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC जीरो हो जाएगा। That is AQ plus BQ plus CQ will be 3ABC. With me everyone? Yes. Yes. ये scenario actually तुम्हारे 10th class में ज्यादातर होता था। Next. If A is equals to B equal to C, then which side is zero, left or right? First of all? Right. 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 ये zero हो गया, ये zero हो गया, ये zero हो गया, तो ये पूरा term zero हो गया ना बच्चों? Yes. तो पूरा राइट साइड जीरो हो गया, तो अगेन लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगा और अगेन यही सेम रिजल्ट आ जाएगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। सब बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। तो व्हाट इफ अगर मैं डायरेक्टली लेफ्ट साइड को जीरो कर दूं, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC, जल्दी से पहले तो एग्री करो कि लेफ्ट साइड जीरो। हाँ। यस सर। देयरफॉर राइट साइड जीरो, हाँ है ना? यस सर। Yes. तो अब राइट साइड जीरो है तो फिर दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है ना, दोनों को जीरो होना तो जरूरी नहीं है, एग्री करो? Yes, तो देन व्हाट इज द आउटकम यू विल राइट, आइदर आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो और व्हाट, कम ऑन, और व्हाट इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्या ये सबको समझ में आया यहाँ तक, ये वाला पार्ट? यस सर। और अभी बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, हमेशा इसके बाद ये बोल देते हैं, बट कभी कभार ये भी हो सकता है ना, एग्री करो? यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC है तो देन यू हैव टू आउटकम्स, एम आई क्लियर? यस। एम आई क्लियर बच्चों? हाँ। तो इस क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC है, तो मैं लिखूंगा आइदर ए प्लस बी प्लस सी जीरो और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब दोनों को देखूंगा कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, ए कौन है बताओ, हु इज ए साइन x, किसी को भी ले लो, किसको ले रहे हो बताओ जल्दी, साइन x cos x रूट 3 साइन x। नहीं नहीं इस क्वेश्चन में बोल रहा हूं मैं, ए इज 1 बी इज साइन x सी इज cos x, हां है ना? हां सर। यस सो 1 प्लस साइन x प्लस cos x इज 0 और 1 इक्वल टू साइन x इक्वल टू cos x, करेक्ट बच्चों? क्या कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों वन हो सकते हैं क्या बच्चों, कभी? नहीं। अगर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों वन हो गए फिर तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टू हो जाएगा, होता है क्या?
तो ये वाला पार्ट एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है? रिजेक्टेड। बट हमेशा ऐसा रिजेक्ट होगा क्या? नहीं। नो सर। तो इसलिए बी केयरफुल। क्लियर एवरीवन? यस। फिर cos x + sin x - 1 ये तो टाइप 5 हो गया ना, एग्री करो जल्दी से। यस सर। इज दैट क्लियर यहां तक बच्चों? यस सर। लाउड वॉइस नहीं आ रही, क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। तो जल्दी से ये फॉर्मूला कॉपी कर लो एक बार सारा। ये क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, तो बेबी वर्जन है, यही सब चीजें अभी वो तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसमें करेंगे। बट अगर ये फॉर्मूला कॉपी नहीं था ढंग से, इसका आउटकम हर चीज नहीं पता था, ये तो कॉपी करो। Can I change the page? Sir, एक मिनट। Yes sir। Okay, one minute। जल्दी copy करो। आप सब बिल्कुल ध्यान रखना कि दोनों चीजें हो सकती है। हो गया बच्चे तेरा? Yes sir। Okay, I'm changing now। So let's come back to our question. And let's analyze it now, everyone. Do you want to try or I can continue now? Enough time. Bolo. Sir, ek minute aur. Chalo, ek minute aur lo. Last mein, 1 minute. अनमोल नो, हो सकता है वो सही भी हो, बट मैंने क्या बोला कि अगर ऑप्शन हो तो कॉस में प्रेफर करोगे साइन में? क्या बोला एवरीवन? कॉस। साइन में वो माइनस वन की पावर एन आता है, फिर वो ऑप्शन में होगा ही नहीं, फिर तुम्हारा आंसर आया और जो करेक्ट आंसर है उससे तुम हमेशा मैच ही कराते रहोगे बस। यहाँ पे आंसर ये आएगा, आई थिंक यही आता है ना बाबिल? करेक्ट हिमाक्षी। मैंने आंसर साइन में दिया था पहले। तो ध्यान रख, अगली बार मत करना बच्चे, क्योंकि आएगा फिर ऑप्शन में ये आंसर होगा, फिर तेरे को मैच कराना पड़ेगा, करेक्ट ना? ओके। टेन सेकेंड्स और एवरीवन। ओके असिनी, साइन में तूने करा है वापस सेम चीज, तो आपको चेक करना पड़ेगा सही है नहीं है। मैंने तो आंसर बता दिया ये है। सुहानी, हाँ सही है। चलो इनफ टाइम मेरे साथ स्क्रीन पे। 3√3 साइन क्यूब एक्स मतलब ये √3 साइन एक्स का होल क्यूब है, प्लस कॉस क्यूब प्लस 3√3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 को भी लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, तो कैन आई से 1 इज माइनस 1 एक्चुअली यहाँ पे, सही है ना? यस सर। मुझे दिख गया, एक्चुअली तुम्हें भी दिख गया होगा, √3 साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस का क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब, और इसको क्या लिख दिया मैंने? कम ऑन, इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. तो क्या सबको अब दिख रहा है? A cube plus B cube plus C cube is equals to 3 ABC, everyone?
Yes. हाँ भाई, so either a plus b plus c is zero or a equal to b equal to c. a is this, b is this, c is this. तो हम देख रहे हैं भाई ये पॉसिबल है नहीं है. cos x जिसका माइनस वन हो, मतलब पाई, पाई पे तो साइन जीरो होता है, तो बिल्कुल रिजेक्टेड. एग्री करो? यस. तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट थ्री साइन प्लस कॉस माइनस वन इज जीरो. अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, टाइप थ्री फोर फाइव, टाइप फाइव, टाइप फाइव. अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, साइन में भी जा सकते हो और कॉस में भी जा सकते हो ना. यस. तो मैंने एडवाइस की भी है कि ऑप्शन हमेशा कॉस के हिसाब से होगा, तो इसलिए वो ही प्रेफर करो. वन बाय टू से डिवाइड किया, यही चीज को लिखा है बस मैंने, इज इक्वल टू वन बाय टू. अब इसको लिखूंगा मैं कॉस फाइव बाय थ्री, इसको लिखूंगा साइन फाइव बाय थ्री. तो व्हाट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बच्चों? कॉस ए माइनस बी. कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू राइट साइड कॉस फाइव बाय थ्री. सो थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा. फाइव बाय थ्री को अब राइट में शिफ्ट कर दो. तो क्या आंसर इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं क्या, यू टेल मी. हाँ भाई, हाँ सर, बिल्कुल छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो. बट कभी अगर ऑप्शंस में उन्होंने प्लस अलग से लिया हुआ होगा, तो देखो प्लस अलग से लिया तो प्लस टू पाई बाई थ्री हो जाएगा बच्चों, और माइनस अलग से लिया होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? टू एन पाई. टू एन पाई. तो अगर ऊपर वाले की जगह मैं ऐसा छोड़ू टू एन पाई यूनियन टू एन पाई प्लस टू पाई बाई थ्री के, दोनों ही सही है क्या? हाँ सर. हाँ, दोनों में से कोई भी लिख दो, इट डजंट मैटर, एक ही बात है, कोई भी लिख सकते हो. अब तुम खुद बताओ, साइन वाला जिन्होंने साइन से किया, डोंट यू थिंक ये बेटर तरीके हैं लिखने के एज कम्पेयर टू साइन में वो माइनस वन की पावर और सब. हाँ या ना? यस सर. बस यही सिली रीजन है जिसके कारण हम कॉस में प्रेफर करते हैं. जल्दी से कॉपी करो, फाइव सेकेंड्स. कैन यू स्क्रॉल अप फॉर इट. हो गया सबका कॉपी अब तो? सॉरी सर, ये क्या हो गया? हाँ भाई, कोई कॉपी कर रहा है या इट इज डन? नहीं सर, डन सर, डन. सॉरी, कैन आई मूव एवरीवन? कैन आई मूव एवरीवन? चलो, टाइप सिक्स. टाइप फाइव के अभी क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, इट इज गोइंग टू बी इन कॉम्बिनेशन विद टाइप सिक्स. छोटा सा टाइप है फॉर्म जिसमें हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का टर्म होगा या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
और एक और टर्म होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टर्म, सुना सब में? यस सर। क्या क्या टर्म होंगे बताओ वापस। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो सकता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट उनके साथ साथ एक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म जरूर होगा, समझ लिया? लाइक लेट्स से अभी तो मैं इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो इधर मेरे साथ, सॉरी कौन बता रहा है क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? इसे डिवाइड करेंगे ना सर, या फिर हम दोनों साइड को स्क्वायर भी कर सकते हैं सर, साइन एक्स। डोंट यू एग्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के स्क्वायर में इस टाइप का टर्म आता है, एग्री करो? हाँ सर, वो स्क्वायर और स्क्वायर वन हो जाएगा सर, या तो फिर साइन एक्स कॉस एक्स को दूसरे साइड पे लेके फिर वो फैक्टराइज। हाँ वो अभी के लिए, बट अगर मैं फोर और थ्री कर दूं फिर तो नहीं होगा ना? हाँ सर, उसके बाद नहीं होगा, फिर वो स्क्वायर करना होगा। तो बस मैंने तो एक्चुअली बोला ना साइन एक्स कॉस एक्स का टर्म है, वो तो लक्की बात हो गई कि तेरे ये हो गया और तेरे को याद भी आ गया, वो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी कि तेरे को याद है ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। बट अभी वो क्वेश्चन का पर्पस वो नहीं था, अभी पर्पस था कि बस इसको कैसे हैंडल करें अलॉन्ग विद दैट। क्लियर बच्चे? यस सर। गुड अनमोल। तो बच्चों क्या करेंगे हम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर तुम्हारे क्वेश्चन में है तो उसको टी लिखोगे, अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता तो उसको टी लिखते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। तो उसको स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स इज टी स्क्वायर। तो क्या सबको समझ में आ रहा है, पूरी क्वाड्रेटिक टी में हो जाएगी? जल्दी एग्री करो। यस सर। तो आप किसी भी टाइप के कोफिशिएंट होंगे हैंडल हो जाएंगे ना एक तरीके से क्वाड्रेटिक से, आया ना? हाँ सर। तो चलो इस क्वेश्चन में करते हैं, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज टी, आई हैव स्क्वायर्ड इट, वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, साइन एक्स कॉस एक्स को रखूंगा मैं टी स्क्वायर माइनस वन बाई टू, सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम लेफ्ट साइड, कितना हो गया एवरीवन? बोलो भाई। t is equals to 1. अब t कौन है? sin x plus cos x. तो type 6 का question कौन से type में convert हो गया everyone? type 5. दिख रहा है ये sin x plus cos x बच्चों? हाँ sir. 1 by root 2 से divide. बिल्कुल सही, 1 by root 2 से divide करेंगे. और अगर हमारे पास दोनों options है, तो cos में convert करूँ या sin में बच्चों? cos. तो directly बताओ कितना लिखूँ, cos of x plus x, x minus minus 5 by 4 is cos pi by 4, so x minus pi by 4 is 2n pi plus minus pi by 4, फिर ये minus pi by 4 को right में ले आया, तो is this your final answer? Yes sir. Yes. फटाफट copy कर लो sir, मुझे एक doubt था, अपने पास रखो, sorry sir. जब मैंने copy करने को बोला बच्चे copy, उसके बाद doubt, सॉरी जल्दी करो।
यस सर डन। डन सर। यस कोई डाउट अब बच्चे? हाँ सर मुझे एक छोटा डाउट। बोल बच्चे। सर हम लोग वन दूसरे साइड को भी स्क्वायर करके फिर वापस वैसा सॉल्व कर सकते हैं क्या? बच्चे वापस तू ब्रेक हो रहा है बार बार, जल्दी बोल यार। ऐसे समझ गया मुझे। एनीबॉडी एल्स? सर एक डाउट है। यस टेल मी योर नेम। सर रुपेश। सर अगर हम ये एक्चुअल टर्म जो वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है अगर उसको स्क्वायर करें तो वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक में आ जाता है। क्या मतलब? मैं नहीं समझा। डायरेक्टली स्क्वायर मतलब ये डायरेक्टली स्क्वायर ही तो किया और क्या किया? नहीं सर मतलब वो टी ने लिया वो वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स को स्क्वायर किया तो वो वैसा करना तो, उसमें क्या है? मैं तो बस यार कभी अपन टी लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? बस थोड़ा सा अच्छी तरह लिखने के लिए। अदरवाइज क्वाड्रेटिक तो तू क्वाड्रेटिक की तरह भी सॉल्व कर सकता है बट अपन sin x को नहीं, वो क्योंकि 2 sin x cos x कैंसिल हो जाता है इसके लिए मैं ठीक। वेरी गुड कंटिन्यू कर सकता है, बोल रहा हूं मैं बच्चे कर सकता है। ओके सर थैंक यू। चलो ये सॉल्व करो एवरीवन। मुझे भी सर एक डाउट है पिछले क्वेश्चन में। बोल बच्चे। सर आपने t इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 कैसे लिखा है? लाइक हाउ डिड यू इक्वेट इट? व्हिच टर्म? सर ये t इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर या दैट वन मुझे समझा नहीं। मैंने एरो बनाया, एरो नहीं दिख रहा तेरे को? देख एरो बनाया जिसका क्या मतलब होगा बच्चे कि इस टर्म की वैल्यू क्या रखी गई है, देख के बता। नहीं नहीं सर वो समझा बट मुझे काइंड ऑफ समझाने की sin x + cos x इक्वल टू लाइक 1 प्लस लाइक sin x cos x कैसे होगा? अरे तो क्योंकि तू दिमाग नहीं लगा रहा, पूरा देख नहीं रहा है, तू आधा रिजर्व माइंड रखता है। तू चुपचाप सुन पहले पूरा। ये क्वेश्चन है अगर मैंने sin x + cos x को t रखा तो मैं राइट साइड को भी t के टर्म्स में निकालना चाहता हूं सो दैट फुल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू t। यहां तक सुना? यस सर। तो sin x + cos x को t रख रहा हूं, अब sin x cos x चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया? स्क्वायर किया। ओके सर अभी समझा। तो देख ही नहीं, इसलिए बोल रहा ना, तो पूरा देख ही नहीं रहा है। sin x plus cos x का स्क्वायर मतलब ये हो गया a square plus b square plus 2ab term is t square, correct लड़के? Yes। फिर यहाँ से 1 को राइट साइड में ले गया तो देख t square minus 1 हो गया और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब इन दोनों चीजों को मैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। हाँ सर, सो आप बेसिकली t के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरा। और क्या कर रहे हो? और क्या बोल रहा था कुछ? यस सर। यस सर। क्वेश्चन पिछले वाले का कंटिन्यूएशन है? नो बोलो मत, क्वेश्चन करो यार। कंटिन्यूएशन है, अगर कंटिन्यूएशन भी है तो क्या मतलब है तुम्हें उससे? तुम्हें बस ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। सर वो sin x - cos x के बाहर 5 है या s है? 5।
क्लियर बच्चे? यस सर। एक हिंट दे देता हूँ, अल्फा के टर्म्स में आंसर आएगा, वेयर अल्फा इज दिस। सुन लिया सबने? कभी कभी अननोन एंगल आ सकते हैं ना बच्चों? यस। जैसे कभी कभी ऐसा आया, मैंने बताया भी था शायद से, कॉस अल्फा 1/3 आ जाएगा। सुनो एक बार ध्यान से, तो 1/3 इज अ नोन एंगल और अननोन एंगल, अननोन एंगल, तो मतलब कॉस थीटा इज दिस। तो मैं इसको ऐसे बढ़ सकता हूँ क्या, कॉस थीटा इज कॉस अल्फा, थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा के बारे में लिख दूं, वेयर अल्फा इज, क्या लिखूंगा बच्चों बोलो? कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, ऐसा कर सकता हूं एवरीवन? यस। हां हां, इसी टाइप की कोई सिचुएशन यहां पे बन सकती है, करो। आदित्य बिल्कुल करेक्ट, अवेन करेक्ट, ऋषा माइनस साइन की मिस्टेक है, देख ध्यान से। अच्छा भावेन, जो भी एक्स्ट्रा का आंसर है उसकी एक्यूट एंगल वैल्यू बता, क्योंकि आई नो तो गंदे फॉर्म में आएगा, बट एक्यूट एंगल वैल्यू बता एक्स्ट्रा के लिए। हाँ तो फिर रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं 18 डिग्री की वैल्यू गलत यूज कर रहा है। तो अनमोल करेक्ट, ऋषा माइनस नहीं लिखा, मेरे को पता नहीं अभी भी। Can I discuss my job? Everyone? Just a minute. 1 minute. Okay. Pranav, correct? विद्रा सही नहीं है, अच्छा जनरल सॉल्यूशन चाहिए दीप्तांशु।
ओके इनफ टाइम बच्चों, कैन आई डिस्कस नाउ? सर 1 मिनट मोर प्लीज. अरे 1 मिनट तो कितना दे दिया लड़के, चल 30 सेकंड. अनमोल क्या कर रहा है, पूरा लेकिन सर जनरल सॉल्यूशन. रुद्रा ये जो पहला तेरा आंसर है वो नहीं आना चाहिए. चलो भाई अल्फा के टर्म्स में आएगा ये आंसर. Done sir, thank you. Okay, now I think Arnav correct है. चलो पूरा बैच मेरे साथ इंटरेक्ट करेगा. What should I do? First step. Sin x minus cos x is equal to t. Square कर दिया correct ना everyone? हाँ sir. Sin square plus cos square sorry minus 2ab is equal to t square. तो यहाँ से sin x cos x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 minus t square by 2. यहाँ तक किसी को इश्यू? तो minus 2 नहीं होगा क्या? अरे कार्टून है तो मैं अलजेब्रा भी बताऊंगा क्या तेरे को यार. 1 minus t square, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इस 2 sin x cos x, तो sin x cos x यही होगा ना नालायक. हाँ सर हाँ. Now put in original equation. So 4 into 1 minus, अब sin x cos x की वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों, ब्रैकेट में रखो क्योंकि हम नालायक हैं, करेक्ट ना? हाँ ना, आप नहीं बोल रहे हो, आया ना? हाँ सर. So 4, 2 LCM, 2 minus 1 plus t square is equals to 5t, 2 से 2 चला गया everyone. मेरे साथ एक बार प्लीज डोंट कॉपी व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, फिर तुम्हारे एक स्टेप मिस हो जाएगा. मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का और इनफ टाइम दूंगा. इसके बाद क्या होगा, क्वाड्रेटिक ओपन कर रहा हूँ, 2t स्क्वायर प्लस 2, 5t को लेफ्ट साइड में ले आया बच्चों. यहाँ तक किसी को इश्यू? नो सर. क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर रहा हूँ, so t is equals to 2 or t is equals to half. I hope everything is fine. अब yes, एक-एक करके ले लेते हैं. t equal to 2 or t equal to half. t किसको लिखा था बच्चों मैंने? sin x minus cos x. sin x minus cos x. sin x minus cos x के बारे में बताओ, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? जल्दी. minus x plus root. किसी को इसमें doubt है? नहीं sir. तो फिर उसके लिए नालायक के आगे महा word add हो जाएगा. ओके तो एक्सेप्टेड रिजेक्टेड रिजेक्ट हो जाएगा. वेरी गुड लकी. रिजेक्ट सेक्टेड एक्सेप्टेड रिजेक्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड. आगे बस एक्सेप्टेड लेकिन नहीं छोड़ना है, सॉल्व करना है. हां है ना, है ना? यस सर. तो मैं हमेशा कॉस में प्रेफर करता हूं, इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. एग्री करो? क्योंकि कॉस से कॉस भी पहला टर्म प्लस पॉजिटिव होना चाहिए ना. यस यस. इज दैट फाइन? हां यस नो बच्चों? यस सर. यस सर. किससे डिवाइड करूंगा बताओ? रूट टू से. सो लेफ्ट साइड कितना हो गया बोलो? कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस फोर एक्स. करेक्ट लिख रहा हूँ? हाँ सर. हाँ है ना, लाउड वॉइस. हाँ सर. और अब बताओ मैं इसको लिखना चाहता हूँ cos 30 cos 60 बट नॉन एंगल तो है नहीं, तो मैं अल्फा लिख दूं बच्चों? हाँ सर. सुनो. हाँ सर. क्या सब बच्चे इस स्टेप तक मेरे साथ हैं? यस सर. अब आंसर आ ही गया, बस यही ऐसे ही करना था. कभी कभी नॉन एंगल आते हैं इसलिए मैंने ऐसा दिया. सो x plus pi by 4 is 2n pi plus minus alpha. So what is the final answer? x is 2n pi plus minus alpha. माइनस फाइव बाय फोर
वेयर अल्फा कौन है भाई, लिखना तो पड़ता है। कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू रूट टू। रिशा ये माइनस मिसिंग था तेरा, क्लियर? यस सर। गुड मार्क्सी, क्या सबको क्लियर है? यस सर। ऊपर से दिखा रहा हूं मैं, जल्दी से कॉपी करो। yes, उसके बाद कोई डाउट? इट इज सो। हां बच्चे बोलो। कुड यू रिपीट दैट व्हाई इट वाज रिजेक्टेड? दे पहले कॉपी कर सर। नो डाउट, कॉपी। कुछ नहीं दिख रहा हो तो बोल सकते हो, अदरवाइज चुपचाप कॉपी करो यार। कॉपी करते वक्त मैं डाउट के बारे में सोचो। सर लास्ट स्टेप दिखाने, स्क्रॉल डाउन में अपने हिसाब से करूंगा बच्चे। ये क्या हो गया इसको? यस yes. एक बच्चा पूछ रहा था ये क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि दिमाग लगा बच्चे, ये लिखा हुआ है रीजन भी। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रूट टू तक ही हो सकती है, 1.4 तक। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू कैसे हो सकता है? क्लियर लड़के? अमरतिया क्लियर? यस सर। और किसी को कोई डाउट तो नाम बोल के पूछ सकता है। सर मैंने 5 into sin x minus cos x को t लिया और फिर भी सेम ही है। क्या नाम है तेरा बच्चे? सर अनमोल। अनमोल कैसे चीजें पूछ रहा है तू यार? तू sin x minus cos x को t लिखेगा और 5 times को t कुछ और लिख देगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा? वो t पर t की क्वाड्रेटिक थोड़ी चेंज हुई है, ऑब्वियसली आंसर सेम आएगा। तू t आज कुछ तूफानी और कर दे, 50 रख दे, 50 into this को t रख, उससे भी आंसर तो आएगा ही ना। कार्टून आंसर सुन। अरे कॉन्स्टेंट्स को इधर उधर करेगा तो पता कोई फर्क पड़ता है क्या कभी? हाँ नहीं सर, नहीं सर। जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक है, सब बच्चे इसमें एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे, बट तू बोलेगा सर मैं आज कुछ तूफानी करता हूँ, एक्स स्क्वायर को 3t रखता हूँ, तो उससे कोई फर्क तो ना पड़ेगा? कॉन्स्टेंट तो कैंसिल आंसर हो जाएंगे। हाँ सर। उस समय क्यों नहीं पूछा? जल्दी बोल, क्या डाउट है सर? इधर लास्ट स्टेप में cos pi by 4 minus x लिख सकते इसको? बिल्कुल लिख सकता है, बट तू आंसर ऐसे पसंद करेगा या ऐसे पसंद करेगा? दोनों सेम चीज है, पहली बात तो ये एग्री कर। यस हाँ है ना? यस तो तू बिल्कुल लिख दे, गलत नहीं होगा, बट ऑप्शन ऐसा होगा, फिर तेरे को मैच कराना पड़ेगा। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? ओके एक और ठीक ठाक क्वेश्चन करो। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं नॉन? सर सिक्स।
सबका सम इज इक्वल टू 7, सही है ना क्वेश्चन? सही है, मतलब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा यू यूनिक है ना। हाँ सर। करो some of these questions are related to doubt था। तो अभी मैं कुछ आंसर करूंगा बच्चे तो वो सही नहीं होगा ना, इसलिए चैट पे पूछ लें। पवन करेक्ट, रुपेश करेक्ट, वेरी गुड बच्चों, निनाद करेक्ट, नमन करेक्ट, अनमोल करेक्ट, ओके पवन, सॉरी नाला को हुआ तो मैंने चैट में आंसर डाला। आदित्य करेक्ट, प्रीशा करेक्ट, 30 सेकंड चलेगा आप तो।
अरुष करेक्ट, अक्षत करेक्ट, चलो कैन आई डिस्कस एवरीवन? यस सर। चलो मेरे साथ देखो स्क्रीन पे, इनफ टाइम। अभी किसी ने रिजल्ट लिखा है सर? आदित्य जयमन करेक्ट है, सुहानी करेक्ट है, सुहाम करेक्ट है। हाँ क्या करें इस क्वेश्चन में, सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करना है बच्चे। अब सबका एलसीएम लेने से अच्छा अपन सिमिलर टर्म्स का लेते हैं। sin x cos x ऊपर कितना हो गया बच्चों? 1 sin square। हां sin square plus cos square that is 1। यहां पे sin x plus cos x equal to 7। क्या तुम सबको ये टाइप 6 का दिख रहा है क्या एवरीवन? हां है ना? यस सर। हां एलसीएम लेके कर सकते हैं, बट अभी से रख देते हैं sin x plus cos x is t स्क्वायर करके 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज टी स्क्वायर। सो साइन एक्स कॉस एक्स इज टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। किसी को यहां तक डाउट है क्या? जल्दी बोलो डाउट। नहीं सर। तो वापस इसी इक्वेशन में रख रहे हैं, कितना हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स कितना टी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2। बिना देख के एलसीएम करोगे तो फिर क्यूबिक आएगी, बट तुम्हें दिख रहा है यहीं पे कैंसिल हो रहे हैं। यस सर। अब मैंने अभी पूछा था किसी बच्चे से और सबने हमने एडवाइस की थी कि हम वेरिएबल को कैंसिल नहीं करेंगे, बट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, बताओ क्यों? क्यों ग्रेटर देन 0 ही होगा डिनोमिनेटर में 0 है। नो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल को कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों बताओ? सर हमने क्रिएट किया। नहीं हमने नहीं क्रिएट किया, वो तो डिनोमिनेटर में ही साइड पे सेम साइड। यस कैन यू कैन से इन टर्म्स ऑफ दैट, बट आई कैन से बेटर क्या कि वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। एग्री करो, कम ऑन। यस सर। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, हाँ है ना बच्चों, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में बिल्कुल कैंसिल करोगे क्योंकि वो जीरो हो ही नहीं सकता, तो यू कैन कैंसिल इट। किसी को इश्यू इसमें है? नहीं सर। अब एलसीएम ले लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इज 70 माइनस 7, सब कुछ लेफ्ट साइड में, प्लस 9 इक्वल टू 0। सो टी की अब क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एग्री करो? यस यस सर। क्या लिखूं? सम माइनस 9। सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। यस सर। कितना हो गया 28? हाँ सर 28। हाँ सर 28। 2 root 7 सही है? Yes। तो t is either 4 plus root 7 और t is either 4 minus root 7। यहाँ तक कोई issue? No। नहीं सर।
who is t sin plus cos sin plus जल्दी से बताओ पहला वाला एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड और वो बताए रिजेक्टेड सबको क्लियर रिजेक्टेड क्यों समझाना है किसी के लिए लास्ट चांस हाँ सर समझाना कैसे रिजेक्ट अच्छा तो मेहनत कर लो यार बिल्कुल मजा नहीं आएगा फिर टफ क्वेश्चन बैच में ले नहीं पाऊंगा मैं सेम चीज बिल्कुल डिट्टो सेम चीज वापस आ रही हो तुम डिट्टो वापस पूछ रहे हो फिर क्या किस बात के फिर थ्री ईयर के बच्चे को खिलाओगे सेम चीज वापस पूछ रहे हो तुम अच्छा किस बात का मजा आएगा क्यों रिजेक्टेड है अनमोल बोल रीजन सर उनका रेंज sin x plus cos x की रेंज क्या होती है सर माइनस रूट टू से रूट रूट टू मतलब मैक्सिमम वैल्यू है राइट यस सर हाँ समझ गया कितना होता है 1.4 ये तो 4 से इतना बड़ा है क्लियर है सबको यस हाँ ये वाली वैल्यू रूट टू से छोटी है माइनस रूट टू से बड़ी इसलिए एक्सेप्टेड हो जाएगी कोई डाउट यहाँ तक अब वो बोल रहा है किसके बारे में साइन टू एक्स साइन टू एक्स कैसे बनाऊंगा जब इसको स्क्वायर करूंगा एग्री करो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स इज 16 प्लस 7 माइनस 8 रूट 7 दिस इज 1 एंड दिस इज 2 sin 2x इज 23 माइनस 8 रूट 7 बच्चों ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है तो साइन 2x इज 23 माइनस 1 22 माइनस 8 रूट 7 तो अब ये फाइनली उस फॉर्म में आ गया है आर ऑल ऑफ यू विथ मी तो a प्लस b इज 22 प्लस 8 दैट इज 30 सर नो डाउट मैंने कुछ गलत किया तो अलग बात है अदरवाइज मैंने इतनी बार सिखाया कि कोई भी इंस्टेंट डाउट मुझे ये ही नहीं तो चुपचाप बैठे रहो सोचो अपने डाउट के बारे में इंस्टेंट डाउट आई डोंट नीड तो मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ एक बार कॉपी कर लो उसके बाद डाउट पूछ लें फास्ट कॉपी करो एवरीवन अब जब कॉपी कर रहे हो भी स्मार्ट की इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप कॉपी कर सकते हो थोड़ा फास्ट कॉपी कर सकते हो स्क्रॉल डाउन कर दूं एवरीवन जो कॉपी कर रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं जल्दी कर अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो नाम बोल के मुझे एक डाउट था आप एक बार क्वेश्चन पे जा सकते हो जस्ट अ सेकंड सबका कॉपी हो गया है
हाँ सर बोल। सर जो साइन मतलब अगर इसमें ऐसा करें कि साइन एक्स और कॉस एक्स को ग्रुप करें तो साइन एक्स प्लस वन बाय साइन एक्स होगा प्लस कॉस एक्स प्लस वन बाय कॉस एक्स और टैन एक्स प्लस वन बाय टैन एक्स। तो सर इसमें फिर हर एक मतलब ये बोल रही है एएमजीएम लगा दूंगी। हाँ हाँ एएमजीएम से। तो सर इसमें हर एक का इंडिविजुअल वैल्यू टू। हेलो सर सर तो मतलब हर एक का मैक्सिमम वैल्यू टू होना चाहिए ना वैसे। एवरीवन एबल टू हियर मी नाउ? यस सर। यस सर। यस प्रिशा आराम से अब बोल। सर तो हर एक का इंडिविजुअल वैल्यू एएमजीएम से टू होना चाहिए ना मैक्सिमम। इसलिए तो एएमजीएम तेरे को आधा पता है ना, इसलिए अभी पूरा मत लगाया कर क्योंकि एएमजीएम से पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है। यहां पे एएमजीएम वी डोंट नो वेदर एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ओके हां सर ठीक है सर। एनीबॉडी एल्स? यस सर आई हैव अ डाउट। तू ही पूछ रही थी ना उस समय इंस्टेंट डाउट दिशा? नहीं सर तभी मैंने तन्वी पूछ रही थी। हां सर क्या पूछ रही थी तन्वी उस समय? सर बस कंफर्म करना था कि आपने वो 4-√7 इज लेस देन √2 और ग्रेटर देन -√2 कैसे किया। हां वो मैंने बोला कि ये रेंज के अंदर है वो कुछ चेक कर लो। ओके सर। सर और किसी को डाउट? सर मैं अनमोल हैव अ डाउट। सर मैंने सब टर्म्स का एलसीएम लिया तो मुझे आंसर नहीं आ रहा था पर मतलब और क्या बोलूं मैं यार तू बता। सर पर उससे आएगा तो मैं वापस स्टार्ट करता हूं। अरे इट इज अ कॉमन सेंस कि कभी चुप रह अब तूने बोलिया मैं बोल रहा हूं तो फिर कभी कभार बल्कि एक्सप्रेशन बनाने में कॉमन कैसा आएगा वो दिखता नहीं। इसलिए मैंने दो का एलसीएम लिया एक बार में सबका एलसीएम तबाही मचा ही नहीं। अब तू तबाही मचाने में विश्वास करता है तो बहुत बल्कि एक्सप्रेशन आएंगे फिर उसमें कॉमन निकालना पड़ेगा जो देखो दिख नहीं रहा है। समझ रहा है कि तो मैथ की स्ट्रेटेजी है। क्लियर? हाँ सर। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? आगे बढ़े हैं? यस सर। यस सर। ओके अब थोड़े डिफरेंट उल्टे क्वेश्चंस। अब x नहीं निकालना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ k सो दैट फॉलोइंग इक्वेशन हैज सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस। ये लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है बच्चों? ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस। हां मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। क्लियर? जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देखो एक बार, स्टॉप राइटिंग, एक मैं बता रहा हूं लिखना बंद करो। अगर मैं बोलूं 5 sin x + 12 cos x = k तो इक्वेशन है सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? अगर बच्चों मैं बाय द वे यहाँ पे 14 दे दूं तो तुम इसको बताओ इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे एवरीवन? Max value 13 है. बिल्कुल सही, but can I say मैं range comparison कर रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से agree करो. इसको अब से क्या बोलेंगे range comparison, in which you are going to find out the range of left side, then you are going to find the range of the right side and make it compatible. If they are not compatible, then no solution. सब बच्चे agree करो कि left side की range -13 से 13 है? Yes sir. Yes. Loud voice नहीं आया? Yes sir. Yes, sir. मतलब लेफ्ट साइड कभी 13 से बड़ा नहीं हो सकता, एग्री करो? Yes, sir. तो अगर तुमने 13 से बड़ा फिगर लिखा है तो इसके आंसर तो जीरो सॉल्यूशन ही होंगे ना, जल्दी से एग्री करो। कम ऑन। Yes, sir. क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ तक? Yes, sir. बुलंद आवाज नहीं आई है? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको? रेंज कंपेरिजन। लाउड वॉइस अगेन, क्या बोलते हैं?
रेंज कंपैरिजन मतलब 14 है तो नो सॉल्यूशन. व्हाट अबाउट 13.101 सॉल्यूशन. ओके ध्यान से बोलना. व्हाट अबाउट -13.01 सॉल्यूशन आएगा ना. No solution. बिल्कुल सही. Zero solution, no solution. What about -14? No solution. No solution. Okay, अब सोच के बोलना. What about 13? No solution. Yes, sir. The solution yes, sir. अब solution exist करेगा. क्या solution होगा वो तो हम निकाल सकते हैं ना divide by 13 करके. हाँ है ना? Yes, sir. But वो पूछ नहीं रहे. बस बोल रहे कि कौन सी values के लिए solution होना चाहिए. तो अब अगर मैं इसको k लिख दूँ तो तुम सब क्या करोगे सुनना बिल. आंसर से कोई मतलब नहीं. हम स्टेप्स कैसे सोचना है वो सुन रहे हैं. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ्ट साइड की रेंज निकालोगे -13 से 13. और अब सोचो कि अच्छा राइट साइड के है. सो के अगर -13 से 13 होगा तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. दैट्स व्हाई दिस इज द फाइनल आंसर. क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? हाँ सर. यस सर. हाँ है ना? हाँ सर. यस सर. यस सर. पक्का क्लियर बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. इसी क्वेश्चन में मैं छोटा सा चेंज करता हूँ. थोड़े नालायक बच्चों के लिए वो कंफ्यूज होते हैं इसलिए इतने सालों से मैं देख रहा हूँ यार. अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2k-1 नाउ फाइंड k सो दैट इट हैज अ सॉल्यूशन. तो कैसे करोगे? फर्स्ट स्टेप ऐसे क्वेश्चन में क्या सोचते हैं रिपीट करो मेरे साथ. Yes. फिर सबसे पहले मैं किसकी रेंज निकालूंगा? लेफ्ट की राइट की? लेफ्ट की. क्योंकि निकाल सकता हूँ. लेफ्ट की रेंज कितनी है? -13 से -13. तो फिर क्या यही बोलूंगा ना कि राइट साइड -13 से 13 होना चाहिए. एग्री करो? यस सर. अब राइट साइड के है या 2k-1? 2k-1 बिलोंग्स टू -13 से 13. यहाँ तक पहुंच गया है मेरे साथ? यस सर. बट ये फाइनल आंसर है या के वैल्यू निकाल लू? सर के तो अब तो बस ये सब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है बस. आई होप ये तो पता ही है. हाँ है ना? तो अब हर जगह मैंने प्लस वन कर दिया. डायरेक्टली कर दूं क्या? सब पता है ये सब हैंडल करना है. और अब पूरे को किससे डिवाइड कर दूं? 2 से. तो माइनस 6 का फाइनल आंसर नाउ. यस दिस योर फाइनल. यस सर. यस सर. यस सर. स्टार्ट कॉपिंग, स्टार्ट सॉल्विंग. RHS में क्या है जो लिखा है वो है ना? क्या बोलना चाहते थर्ड वाले में? अरे तो रुक तो जा भाई. कौन कार्टून है यार ये? हैं अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया उससे पहले तो कूद रहा है. जल्दी कॉपी करो बच्चों. यहाँ तक आओ फिर एक साथ ही चालू करेंगे. सर ये टाइप 5 का ही कंटिन्यूएशन है. टाइप 5 और 6 पे मिसलेनियस क्वेश्चंस. ओके सर. सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 7 नेक्स्ट क्लास से चालू होगा. डोंट मिस इट. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगा? अभी तो नहीं. टाइप 7 के बाद हमारा ट्रिगो इक्वेशन में बचेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज. सुन लिया सबने? हाँ सर. एक आध ग्राफ के क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज. तो दो लेक्चर में हो जाएगा मोस्ट ऑफ डाउट. थोड़ा बहुत डाउट. सब बच्चों कॉपी हो गया यहाँ तक? क्या सेकंड वाला दिखा? जल्दी करो. में से बहुत इंपेशेंट बच्चे हैं. तुम समझ रहे हो मैं किसको पढ़ाता हूँ? 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या सारे पूरे बैच को पढ़ाना मुझे? तुम बताओ. पूरे बैच को. पूरे बैच. पूरे बैच. अब तुम में से 5 बच्चे इंपेशेंट होते हैं. थर्ड लिखो ना. थर्ड लिखो ना. तो उनकी बात मानूं या नहीं मानूं? हाँ
तुम नहीं बोल रहे हो तो मैं तब मुझे लग रहा है मानू, जल्दी बोलो। नहीं सर, नहीं सर, मत मानो, आपकी मर्जी। और कुछ क्वेश्चंस पे जब तुम जल्दी करते हो तो मैं एक्स्ट्रा देता ही। हो गया आप तो सप्ताह? हाँ सर, सर। चलो करते जाओ और एक एक का आंसर लिखते जाओ। मैं आंसर अभी नहीं देख रहा हूँ, यू कैन कीप ऑन राइटिंग। हो गया सबका? नहीं सर। कितने हो गए सर? 5 तक हो गया। ओके 6 भी कंप्लीट करो जल्दी से, 6 तक कंप्लीट करो। ओके ओके रोहन, ओके भवन। अभी तक 3 चैप्टर में बेस्ट चैप्टर कौन सा लगा? ट्रिगो क्वाड्रेटिक, ट्रिगो 2 सर, ट्रिगो 2, ट्रिगो 2 लगा। वो किस की खासियत? ट्रिगो 2 की खासियत है, जीकेएम सर की खासियत? जीकेएम सर के, जीकेएम सर नालायक सर। और ये भी कि हम लोगों को कंटिन्यूएशन में ही पूरा चैप्टर मिला। अच्छा, बाकी समय हमेशा ब्रेक हुआ है सर? थोड़े-थोड़े ब्रेक होते थे भी, पर ब्रेक तो अपने भी हुआ ही नहीं आया। और सर वो ट्रिगो 1 तो बहुत ही स्लो चला। हां बट वो यार 3 ईयर फ्लैगशिप में थोड़ा सा ये इशू आता है, क्योंकि शुरुआत में तुम सब बोर्ड्स वोर्ड्स में इतने बिजी होते हो, बीच में ब्रेक लेना ही पड़ता है।
और फिर तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे बैच में, जैसा मैं फ्लैगशिप अभी ले रहा हूँ तुम्हारे साथ दूसरा वाला, तो शुरुआत में बच्चे ऐसे नालायक होते हैं यार, उनको वेवी कर्व में इनइक्वालिटी समझाने में भी 3 लेक्चर लेने पड़ते हैं। हमारा एक में हो गया था। हाँ सर। सर दो आंसर भेज, सारे भेजो यार मेरे को, तो लास्ट वाला भेजो चलो बस, बाकी सब तो कर लोगे और अपन डिस्कस कर ही रहे हैं अभी, लास्ट वाले का भेजो बस। त्रिनाब पॉजिटिव फिर नेगेटिव नहीं लिखता कभी ऐसा? यस सर रियलाइज किया। भवन आदित्य प्रणव तुम मेरा लास्ट का तीनों का अलग आ रहा है, कौन सही है? आयुषी और प्रणव सही आए थे। सुहानी चेक कर माइनस की मिस्टेक तो नहीं हो गई है, अथर भी सही लग रहा है। प्रथम भी ठीक लग रहा है। सुहानी भी करेक्ट है। रावन डोंट बी डेस्परेट ऑलवेज। आदित्य करेक्ट, रोहन करेक्ट। अब तो पूरी बुकलेट कर, तेरे को करनी हो तो टाइप 7 के क्वेश्चन भी मिक्स ही होते हैं। टाइप 7 इज ऑल अबाउट रेंज कंपैरिजन, सुना सबने? यस सर। अभी रेंज कंपैरिजन का थोड़ा सा आइडिया दिया है, लेफ्ट में करना इज टाइप 7, उस पर सुपर क्वेश्चन बनते हैं। हिमाक्षी करेक्ट, रोहन करेक्ट, प्रतीक आई थिंक करेक्ट है, वेरी गुड मयंक। कैन आई डिस्कस नाउ एवरीवन? डिस्कस करें बच्चों? यस सर। चलो स्टॉप राइटिंग एवरीवन, अब क्योंकि मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम हो गया हमारा ऑलमोस्ट। रेडी? यस सर। हाँ चलो, तो रेंज कंपैरिजन, लेफ्ट साइड की रेंज बोलो। प्लस 5 से लेके 5, माइनस 5 से प्लस, तो फिर 10 के माइनस 5 से 5 होना चाहिए, इसलिए k की वैल्यू आ गई माइनस हाफ से हाफ। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। इस पे भी डायरेक्टली रेंज कर सकते हैं माइनस 2 से 2? यस सर। यस सर। यस सर। हां, so therefore 1 minus 3k by 2 belongs to minus 2 से 2. सबसे पहले किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई? यस सर। यस सर। तो कितना हो गया माइनस 4 से 4, ध्यान से मेरे साथ देखो, डोंट कॉपी। फिर अब क्या करूंगा, माइनस 1 करूंगा, एग्री करो? यस सर। माइनस 5 से 3 हो गया, अब डिवाइड बाय माइनस 3 करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इतना तो यस सर पता है ना? हाँ सर। हाँ भाई, 3 by minus 3 minus 1 और minus 5 by minus 3 5 by 3। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। सर डाउट है। प्लस क्या 1 से 1 ऐसा कुछ कार्टून बनती? हाँ सर, आपका आवाज कट रहा है। हाँ अभी आ रही है ना आवाज? यस सर। बीच-बीच में ब्रेक हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं, तो आई वाज आस्किंग कि इसकी रेंज के लिए ऐसा तो नहीं करते हो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो मिनिमम को मिनिमम से? हाँ नहीं सर, ऐसा गधापंती तो नहीं करते हो ना? हाँ सर। ये तो पूरा ट्रिक ओवन में सिखाया गया होगा, तो इसकी रेंज के लिए sin x cos x को क्या लिखेंगे बच्चों? sin 2x / 2 sin 2x / 2 आर ऑल ऑफ यू ओके? यस सर। यस सर। तो ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कितना हो गया? 6k। 6k। अब लेफ्ट साइड की रेंज आराम से बता सकते हो कितनी है? माइनस 1 से लेके 1 माइनस 6k बिलोंग्स टू, कोई डाउट? नो सर।
लास्ट चांस रिपीट ओके लास्ट पार्ट कर रहे हैं आप एवरीवन फर्स्ट पार्ट में अगर कोई नाला है कि आप क्या कर रहे हैं नाला एक भरमार पड़े हैं हमारे पास तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 sin x cos x को ये लिखा है ओके सिक्स में भी सिमिलर चीज ही करनी है ना एवरीवन कंबाइन करते जाना है ना सर हम लोग सॉरी या तो cos 2x और cos 4x सर मल्टीप्लाई डोंट बॉक्स सर बस तो sin 2x cos 2x कितना हो जाएगा बच्चों sin 4x / 2 हां सर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 के आई होप दैट्स फाइन यस सर वापस बताओ sin 4x cos 4x कितना हो जाएगा जल्दी बोलो सर sin 8x / 2 क्या ये सबको ओके है बच्चों यस सर ओके तो हो गया 3 / 4 sin 8x अब क्या कर सकता हूं रेंज कंपैरिजन की रेंज हां बस अब रेंज कंपैरिजन कर सकता हूं एवरीवन यस सर यस सर हां तो किसे चालू करूंगा पहले इससे फिर 3 बाय 4 फिर प्लस 1 ये तो सब तुम प्रोसेस पता है ना एवरीवन इनसाइड आउट बोलता हूं मैं इसको क्या बोलता हूं बच्चों इनसाइड आउट क्या बोलता हूं एवरीवन इनसाइड आउट मतलब जहां पे भी इनर मोस्ट जहां पे भी वेरिएबल है वहां से चालू करो और फिर इनसाइड से आउट जाते जाओ बताओ मेक सेंस हां सर यस सर तो जैसे सबसे पहले रेंज किसकी निकाली sin 8x की क्योंकि उसमें वेरिएबल है minus 1 फिर अब बाहर जाते जाओ तो ऑब्वियसली बॉर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 3 / 4 मेक सेंस ऑल ऑफ यू मेक सेंस हां अब लास्ट में क्या करना है बच्चों बताओ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया माइनस 3 / 4 प्लस 1 से 3 / 4 प्लस 1 कितना हो गया एवरीवन राइट में ले जाता तो अरे हाँ यार वो कोई बड़ी बात नहीं है उल्लू की तरह मत सोचा करो तो अब रेंज कंपैरिजन बोल रहे हैं तो लेफ्ट साइड की रेंज आ गई तो देयरफॉर दिस मस्ट बी राइट साइड रेंज ऑल ऑफ यू यस सर राइट साइड में के है या 4k है 4k 4k सो 4k बिलोंग्स टू 1 / 4 से 7 / 4 बच्चों सो k बिलोंग्स टू फाइनल आंसर 1 / 16 टू 7 / 16 आर वी क्लियर सर एक आर वी क्लियर मोस्ट ऑफ यू से पूछ रहा हूं जिसको स्पेसिफिक डाउट है वो चुपचाप बैठा रहे यस सर यस सर यस कैसे करना है कंबाइन करते गए थोड़ा सा क्योंकि डायरेक्टली रेंज निकालते तो सही नहीं रहता क्योंकि वो वेरिएबल हर जगह है तो हमने सारे वेरिएबल को कंबाइन करना चाहा आई होप प्रोसेस समझ में आया सबको यस सर चलो फटाफट कॉपी करो उसके बाद कोई डाउट चलो किसी को डाउट नहीं है तो दे कैन गो सुन लो बट एक होमवर्क दे रहा हूँ वो अच्छी तरह करके लाना है ये वाला होमवर्क बहुत सारे पार्ट्स है नोट्स रिवाइज करके और बस ये क्वेश्चन करके लाना कम से कम मिनिमम बाकी जो होमवर्क होगा वो ग्रुप पे दूंगा मैं सुन लिया सबने यस सर यस सर ये तो बिल्कुल करके लाना ही लाना अब किसी को डाउट है तो दे ही और शी कैन आस्क सर मुझे एक डाउट है बोल सर आप क्वेश्चन में जा सकते हैं सर क्वेश्चन हाँ सर फिफ्थ सिक्स्थ वाले में हाँ सर सर हम लोग इधर cos थीटा cos 2 थीटा भी लगा सकते हैं cos क्या cos cos थीटा into cos 2 थीटा फिर वो sin to the power वो वाला फॉर्मूला तू लगा दे अटक जाएगा इतने सारे cos के टर्म्स हो जाएंगे फिर उनकी रेंज कैसे निकालेगा हाँ ओके सर एनीबॉडी एल्स
ओके बच्चों, देन टेक केयर, बाय बाय।